यहाँ पर श्री कृष्ण जी और राधा रानी ने एक साथ जोड़ी में स्नान किया था। ये सामने आरती घाट है, यहाँ पे यमुना मैया की आरती की जाती है। लाओ भाई 20 रुपए गिलास में यहाँ पे गन्ने का जूस भी मिल गया। ये सामने पेड़ दिख रहा है ना, ये श्रृंगार भट्ट है, यहाँ पे राधा रानी अपनी गोपियों के साथ में श्रृंगार किया करती थी। भीड़ हर जगह है भाई साहब। तो चलिए श्री कृष्ण जी और राधा जी का नाम लेकर करते हैं वृंदावन की छोटी छोटी गलियों से वीडियो को शुरू। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से हूँ मैं गाइस कान्हा जी की नगरी वृंदावन में, और इस वीडियो में मैं आपको वन डे आइटिनरी यानी कि एक दिन में हम कहाँ का घूम सकते हैं वृंदावन में, और कहाँ का खाना खा सकते हैं, और कहाँ पर हम रुक सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी हमारा प्लान बन रहा है यमुना घाट जाने का, क्योंकि हम सोच के आए थे बांके बिहारी जी मंदिर जाएंगे, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 12 बजे तक बंद हो जाता है और फिर 4 बजे खुलता है, तो बांके बिहारी तो हम तब तक जा नहीं सकते, तो अब हम चलते हैं यमुना घाट और आपको वहीं पर मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से है भाई बांके बिहारी जी मंदिर को जाने का रास्ता, और ये बीच में एक चौक सा पड़ता है। बंदर बहुत है भाई यहाँ पर, कि आपकी टोपी और फोन चश्मा कुछ भी छीन सकते हैं, तो अपना ध्यान रखें, और देते भी नहीं है, देखो भग्या भग्या लेके टोपी। बांके बिहारी मंदिर के सामने ही रोड पे आपको खाने पीने की बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी, जैसे आप देख रहे हो चाय पानी ब्रेड पकौड़ा, आप यहाँ पे खाना पीना बहुत कुछ चीजें खा सकते हो, कचौड़ी वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो मेरे पीछे भी चाय सुट्टा बार रेस्टोरेंट, यहाँ से आप चाय पी सकते हो 30 रुपीज कप में, बहुत ही अच्छी चाय यहाँ पर मिलती है भाई। वेज बिरयानी, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मनपसंद वेज बिरयानी, अगर भूख भी लग रही हो ना मैं रेस्टोरेंट का खाना फेल कर दूंगा, लेकिन वेज बिरयानी खाऊंगा। बांके बिहारी मंदिर शाम को 4:30 बजे ओपन होगा, तो जब तक हम चलते हैं यमुना घाट पे बोटिंग करने। यमुना घाट के लिए किधर से जाएं भाई, इधर कौन सा घाट पड़ेगा? कौन सा? जुगल घाट। जुगल लोग तो पतली पतली गलियों में से होते हुए आ गए हैं हम अभी ये जुगल घाट परिक्रमा मार्ग पे, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। तो आ गए हैं हम अभी जुगल घाट पे, और आप मेरे पीछे का नजारा देखो, यहाँ पर श्री कृष्ण जी और राधा रानी ने एक साथ जोड़ी में स्नान किया था, इसीलिए इस यमुना घाट को जुगल घाट भी बोला जाता है। मथुरा की पावन नदी यमुना में सिर्फ एक घाट नहीं, यहाँ पर 25 से भी ज्यादा घाट हैं, और हर घाट की अपनी एक कहानी है जो कि श्री कृष्ण जी द्वारा रचाई गई है। अब हम यहाँ पे बोटिंग करेंगे, और मैं आपको बोटिंग के प्राइस दिखाऊंगा, और कहाँ कहाँ ये बोटिंग में हमें घुमाते हैं वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो बने रहें। इस घाट पे आपको बहुत सी खाने पीने की चीजें भी मिल जाएगी, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, और मेरे पीछे जूस भी है गन्ने का सर्दी के मौसम में, और इसे पीते हैं और मजे करते हैं। और बैकग्राउंड में देखो हर तरफ खाने पीने की शॉप्स हैं। लाओ भाई 20 रुपए गिलास में यहाँ पे गन्ने का जूस भी मिल गया। तो भाई अभी मिले हमें बोट वाले भैया, ये आपको प्राइस बताएंगे इनकी बोट का, क्या प्राइस रहता है सिंगल पर्सन का और फैमिली हो तो बताओ। सिंगल पर्सन का रहता है छोटे वाले राउंड का 120 रुपए। अच्छा, और उससे बड़े का रहता है 240 रुपए। अच्छा, एक मेंबर का। अच्छा, 7 घाट है आपके। तो आप जो पैसे बता रहे हो इतने पैसों में कितनी चीजें घुमाओगे? उसमें 7 घाट है, काली गाय कदम का पेड़ है, चीर घाट है, बंसी पर सलामा कुटी का टार। तो भाई ये वाली इनकी बोट है, इसमें बैठ कर हम जाएंगे और आपको भी दिखाते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो चलिए अब एंटर करते हैं अपनी बोट के अंदर। आ गए भाई बोट में दूसरी बार मथुरा में बोटिंग करने। पानी देखो यमुना जी का। तो एक बार फिर से बोटिंग का एक्सपीरियंस लेते हुए यमुना नदी में देख रहे हो, इस बार हम जुगल घाट में। ये कान्हा जी है और ये राधा जी, देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं। सामने पेड़ दिख रहा है ना, ये श्रृंगार भट्ट है, यहाँ पे राधा रानी अपनी गोपियों के साथ में श्रृंगार किया करती थी, और वो कदम का पेड़ है, यहाँ पे राधा रानी ने स्नान किया था ना, जहाँ पे राधा रानी ने स्नान किया था ना, कृष्ण जी ने वस्त्र हरण किए थे, ये वही वाला पेड़ है। और वो सामने निधि वन है, ये झंडे गड़े हुए दिख रहे हैं ना, वो निधि वन चीर घाट।
जहाँ पे चीर हरड़ हुआ था। क्या उसमें क्या हुआ था? उसमें चीर हरड़ हुआ था। ये सामने व्हाइट वाला मंदिर, ये इमली तला, यहाँ पे राधा रानी अपनी गोपियों के साथ में इमलियाँ खाया करती थी। और वो इमली का पेड़ अभी भी है ये व्हाइट वाले मंदिर में। और वो सामने सामने वो दिख रहा है ना घाट, वो बिहार घाट है। यहाँ पे कृष्ण जी ने नौका बिहार किया था, वो भी नाव में घूमे थे कृष्ण जी। ये सामने आरती घाट है, यहाँ पे यमुना मैया की आरती की जाती है यहाँ पे। हाँ, ये यहाँ पे शाम को 6 बजे आरती की जाती है यमुना मैया की। और ये गोपियों का महल है, यहाँ पे राधा रानी अपनी गोपियों के साथ में राज रचाया करती थी। और ये यशोदा घाट है, और कृष्णा कुटी आ गई है, ये बलून लगे कृष्णा कुटी। और कृष्ण जी गाय चराने के लिए इस पार में जाया करते थे। यमुना नदी में एक और घाट है, विश्राम घाट। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मेरे पीछे जो अभी आपको आरती घाट दिख रहा है, इस यहाँ पर जो शाम को आरती होती है उसकी झलक भी मैंने उस वीडियो में दी हुई है। इस आरती घाट से बाहर निकलकर आपको बांके बिहारी मंदिर तक के रास्ते में बहुत से घाट देखने को मिलते हैं। और इस रास्ते में आपको खाने पीने की दुकानें भी देखने को मिलती हैं, जैसे श्रृंगार घाट, गोविंद घाट और इमली तला घाट। पूरे रास्ते में आपको गोलगप्पे की बहुत सी ठेलियाँ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो गोलगप्पे हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इनका जो मीठा पानी है इमली के पानी से बनाया जाता है। तो यमुना घाट के बाद अब हम चलते हैं बांके बिहारी मंदिर में, जो कि इन पतली सी गलियों में से होकर रास्ता है। गेट नंबर 2 से हम यहाँ पर एंटर करेंगे। इन पतली पतली गलियों में से होते हुए बांके बिहारी जी का रास्ता है। जैसे आप देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे अभी। तो भारी भीड़ का सामना करते हुए आ गए हम बिहारी जी के द्वार पे। भगवान के दर्शन से भी एक चीज बड़ा है, कौन सा? भगवान का नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे का जयकारा लगाते हुए सभी भक्त बांके बिहारी मंदिर के अंदर एंटर होते हैं। शाम को 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है। ठाकुर बांके बिहारी जी वृंदावन के राजा हैं, जिनकी अनगिनत चमत्कारों की दुनिया दीवानी है, और जिनकी एक झलक पाकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्राण आदर्श श्री बांके बिहारी, जिनकी कहानियां हम सुनाने लगे तो शायद कभी खत्म ही ना हो। क्या आप जानते हैं बांके बिहारी जी को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए? क्यों बिहारी जी के हाथों में बांसुरी नहीं पकड़ाई जाती? ठाकुर जी की इत्र सेवा ही इतनी जरूरी क्यों है? आखिर क्यों यहाँ आरती के समय घंटियां और तालियां नहीं बजती? ऐसे ही ढेरों रोचक सवालों को जानने के लिए मैं आ चुका हूँ बांके बिहारी जी के मंदिर में। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का इतिहास काफी रोचक रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भाव से निधिवन में भक्ति किया करते थे। उनके हृदय में केवल श्री कृष्ण बसे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वामी हरिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और निधिवन में काले रंग की पत्थर की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए।
कुछ दिन तो स्वामी हरिदास ने निधिवन में ही बांके बिहारी की पूजा की। उसके बाद अपने परिजनों की सहायता से बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि बार बार बांके बिहारी की मूर्ति के आगे पर्दा लगाने की प्रथा का क्या राज है। एक कथा के अनुसार एक बार एक भक्त बांके बिहारी के दर्शन के लिए श्रीधाम वृंदावन आए, तब यह टकटकी लगाकर भगवान बांके बिहारी जी की मूर्ति को निहारने लगे। तब भगवान उस भक्त के प्रेम में विभुक्त होकर उनके साथ ही चल दिए। जब पंडित जी ने मंदिर में देखा कि भगवान कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है, तो उन्होंने भगवान से बड़ी मनोहर की और वापस मंदिर में चलने को कहा। तब से ही बांके बिहारी जी की मूर्ति पर बार बार पर्दा लगाने की परंपरा चली आ रही है। बांके बिहारी मंदिर में तो बहुत भीड़ थी भाई साहब, दर्शन करना भी इतना मुश्किल था। बस हमने जैसे तैसे करके दर्शन करे और बाहर आए, और अब हम जा रहे हैं इसके बाद राधा वल्लभ मंदिर में। देख रहे हो रास्ता कैसा था, छोटा छोटा सा, इन्हीं छोटे छोटे गलियों में से होते हुए सारे मंदिर आते हैं वृंदावन के अंदर, और ये राधा वल्लभ मंदिर में आपको दिखाता हूँ। राधा वल्लभ मंदिर के सामने प्रसाद और खाने पीने की बहुत सी दुकानें भी मिल जाती हैं। यहाँ से होती है भाई अंदर एंट्री राधा वल्लभ मंदिर में। भीड़ हर जगह है भाई साहब, ऐसे गलियों में से होते हुए अंदर जाना पड़ रहा है। देख रहे हो गुफा से अंधेरा ही अंधेरा, पूरा अंधेरा। इस गेट से भाई एंट्री हो जाएगी हमारी अंदर मंदिर के। देख रहे ये है भाई राधा वल्लभ मंदिर अंदर से। तो हमने लिया है ढोकला और कचौड़ी। लाओ भाई कचौड़ी भी आ गई अपनी, चम्मच तो दे दो। इस होटल में लिया है हमने रूम स्टे करने के लिए, जो कि बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास में ही है, और यहाँ पर आपको बहुत ही चीप प्राइस में बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। तो ये है भाई हमारा रूम, 700 to 800 में आपको मिल जाता है डबल बेड के साथ। देख रहे हो, और वॉशरूम दिखाता हूँ मैं आपको। वॉशरूम में गीजर है, एकदम ओके है, और एकदम क्लीन वॉशरूम यहाँ पर मिल जाता है। तो हमने ये लिया था 2 days के लिए 1300 में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना।